नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव अपने YouTube चैनल कैड कैम डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जो पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के हाइलाइट्स दिए थे जो कि टोटली कैड कैम डिज़ाइन के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले या ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं चाह रहा था कि आप लोगों को कैड कैम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एग्जैक्टली होता क्या है, जिसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों कैसे प्रोसेस हैं और ये कैसे हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैड की। कैड जो होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, जिसमें कंप्यूटर एज अ मोड यूज़ किया जाता है, जिसके हेल्प के थ्रू हम आपकी स्केचिंग करते हैं, पार्ट मॉडलिंग करते हैं, असेंबली करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जैसे कि पहले हमने मैकेनिकल अपनी इंजीनियरिंग के टाइम में हमने ड्राफ्ट का यूज़ किया था। तो ड्राफ्ट क्या होता है, वो टोटल मैनुअल वर्क होता है जिसमें आपको ड्राफ्टर की ज़रूरत पड़ती है, आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइंग शीट की ज़रूरत पड़ती है, स्टेशनरीज की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम एक डिज़ाइन का लेआउट रेडी करते हैं। और उसी से रिलेटेड ये आपका जो कैड है ये टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कैड की हेल्प से आप किसी भी तरीके के लेआउट्स बना सकते हैं और आप कोई भी मैकेनिकल के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, आर्किटेक्चरल, सिविल, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में आप इसका यूज़ करके आप एक अच्छा ड्राफ्ट रेडी कर सकते हैं, जिसकी आपको हार्ड कॉपी निकालनी है तो आप प्रिंटर का यूज़ करके आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल के आप प्रोडक्शन लाइन में उसको दे सकते हैं। मैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देना चाह रहा था कि अगर आपको कैड कैम के बारे में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन रहेगा तो उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएंगे। अगर मैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूंगा, बेसिक बताने लगूंगा, तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रह जाएगी कि एग्जैक्टली ये कैड कैम होता क्या है और ये प्रोसेस को हमने यहीं से क्यों शुरुआत किया हुआ है। और कैड का सबसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोकैड होता है। ऑटोकैड भी एक ड्राफ्टिंग एक्चुअली सॉफ्टवेयर है, जिसके हेल्प से हम 2D स्केच वगैरह बनाते हैं, जो कि हमारा वाइडली मैकेनिकल इंडस्ट्री, सिविल इंडस्ट्रीज, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस में यूज़ होता है। तो कैड का बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो है कि वो 2D के लिए डिज़ाइंड है। मतलब अगर आपके पास अगर आप कोई चीज़ को ड्राफ्ट करना चाहते हैं डायमेंशनली लेआउट, तो वो 2D बेस्ड है। उस पर मैंने उसमें 3D मॉडलिंग भी करी हुई है, लेकिन 3D मॉडलिंग उसमें एक्यूरेट नहीं बनती। आप उससे एक किसी भी प्रोडक्ट का ओवरव्यू ले सकते हैं, जनरल असेंबली ड्राइंग में आप उसकी डायमेंशन देख सकते हैं, उसकी टोटल लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी, वो कितना एरिया लेने वाला है और वो लुक लाइक, मतलब लुक वाइज वो कैसा लगेगा, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन उसमें एडिटिंग वगैरह मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आप एडिटिंग करते भी हैं तो वो 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर नहीं है फॉर 3D मॉडलिंग के लिए। तो आप अगर आपको डायमेंशंस एक्यूरेट पता है तो आप उसको देख के ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई चीज़ खुद क्रिएट करना चाहो तो उसमें कोई एरर वगैरह वो कुछ नहीं बताता। जो चीज़ आप उसमें डालना चाहोगे वो वही चीज़ आपको रिटर्न में देगा, अपने से वो कोई वर्क नहीं करता। तो ये तो हो गई ऑटोकैड की बात। तो इंडस्ट्रीज़ में जो कैड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हाईली रेंज में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनके कुछ नाम हैं। जैसे आपका क्रियो है, ये क्रियो जो है वो PTC प्रोडक्ट है, जो कि प्रोई का ये एडवांस वर्जन है। प्रोई भी एक अपना एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसी का थोड़ा सा एडवांस करके क्रियो ले आए हैं। क्रियो इंडस्ट्री में चल रहा है। उसके अलावा कैटिया है, यूनिग्राफिक्स है, सॉलिड वर्क्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपका इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइडली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर है वो यही 3-4 हैं। अब आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता दूं। आप मतलब मुझे तो इसमें कोई डिसएडवांटेजेस नज़र नहीं आते इस सॉफ्टवेयर में, इसमें केवल एडवांटेजेस नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी काम करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, टाइम सेविंग होता है, आपका मनी वेस्टेज, मतलब मनी का कम लगता है, वेस्टेज कम होता है, मटेरियल का वेस्टेज बहुत कम लगता है, मैन पावर कम लगती है। और आप कोई भी एक प्रोटोटाइप बना के उसको एनालाइज कर सकते हैं पहले, उसके लिए भी एनालाइज करने के लिए भी, जैसे आपने कोई मशीनरी बनाई हुई है उसके अंदर आपने शीट मेटल्स या पार्ट्स लगाए हुए हैं, तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में भेजने से पहले आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए भी एनसिस सॉफ्टवेयर वगैरह की एनसिस सॉफ्टवेयर आता है, आप उसके थ्रू उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि वो बाद में कोई फेलियर ना हो जाए। जैसे उस पर आप कंप्रेसर वगैरह आप रखते हैं तो वो बीच से ब्रेक ना कर जाए या बेंड ना हो जाए, तो वो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में भेजने से पहले कैड
का यूज़ करते हैं, जो कि हम कंप्यूटर पे पहले ही सारी चीज़ें अपना पता कर लेते हैं कि आपका ये जो प्रोटोटाइप रेडी हुआ है वो हर तरीके से ओके है या नहीं है। कैड की ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं, जब आप लोग आपस में सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप जब पता कर लेते हैं कि हाँ सब कुछ ओके है, अब तब जाके हम इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में भेजने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कैम कहते हैं। तो कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मींस कंप्यूटर के हेल्प से कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचाते हैं तो उसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इसका भी कैम का भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे आपका एक सिमको आता है, एक एच कैम आता है, कैटिया के थ्रू भी आप ये कोडिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो कैम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप टूल्स को पाथ देने के लिए आप कोड्स लिखते हैं, आप मतलब जो कोडिंग्स होती है उसको उस प्रोग्राम में लिखा जाता है, जिसके थ्रू हमें ये पता होता है कि आपका जो जो प्रोडक्ट है या जो पार्ट है उसके ऊपर आपका टूल किस तरह से प्रोसेस करेगा। टूल का फीड रेट आप डाल सकते हैं, उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसमें टाइम कर सकते हैं कि आप कितनी देर के बाद उसको क्लोज कर सकते हैं, कितनी देर के बाद आप का टूल ऊपर हो जाए उसको कटिंग करके। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे ट्यूब शीट होता है इवेपोरेटर, ये जैसे एचवीएसी लाइन में आपका चिलर्स बनते हैं, तो चिलर्स में आपका कंडेंसर इवेपोरेटर लगता है, तो उसके अंदर ट्यूब शीट्स लगती हैं। तो ट्यूब शीट्स के होल करने के लिए कोऑर्डिनेट्स तो हम ऑटोकैड के थ्रू देते हैं, लेकिन उसको जो रीड करता है कि कौन सा टूल मतलब कौन सा होल सबसे पहले कटेगा, कौन सा उसके बाद कटेगा, तो ये सब हम कंट्रोल करते हैं कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू। कैम सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोडिंग्स करते हैं, जैसे एम कोड, जी कोड, डी कोड, ये सारी कोडिंग्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप कैड और कैम के थ्रू ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ही एक फाइनल रिजल्ट पाते हैं, जिस जो कि आपके सामने है, मैंने फर्स्ट अपने पार्ट में दिखाया हुआ है। तो सारे इन्हीं के थ्रू बनाए हुए मेरे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो हो गई इंडस्ट्री बेस। अब मैंने कैड कैम को मतलब स्पेशली कैड को हम मैंने तो और तरीके से भी यूज़ किया, जैसे मैंने अपना पहला ऑफिस बनाया, तो पहला ऑफिस में जैसे मेरे पास घर में कुछ अपने कंप्यूटर टेबल वगैरह थे, कंप्यूटर टेबल भी मैंने अपने साइज़ के हिसाब से बनाया, मतलब मुझे कितना एरिया लैपटॉप के लिए चाहिए, रिटेल एरिया कितना चाहिए, मेरे पास जो प्रिंटर्स अवेलेबल हैं उसको कितना साइज़ चाहिए, बैठने में कितना कम्फर्ट होना चाहिए, तो और पेपर्स वगैरह जो मैं यूज़ करता हूँ उनके लिए कितना एरिया चाहिए। तो मैंने अपने कंप्यूटर टेबल को भी इसी कैड के थ्रू ही एक डिज़ाइन बनाई, और एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने लेबर्स ने उनको कारपेंटर ने एग्जैक्ट वैसे ही बना के दे दिया था मुझे, जो 3-4 साल हो गया मुझे आराम से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना एक ऑफिस लिया, ऑफिस का एरिया भी मेरे पास जैसे जो फर्नीचर्स अवेलेबल थे मैंने पहले ही उसका लेआउट रेडी कर रखा था कि मुझे मिनिमम कितना स्पेस की शॉप चाहिए होगी ताकि मेरे ये सारे जितने भी फर्नीचर्स हैं वो वहाँ मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो उसके हिसाब से मैंने आराम से लेआउट बनाया, उससे रिलेटेड मुझे जो शॉप का एरिया मिला मैंने वहाँ पे सारा सामान रख दिया, तो मुझे पता था कि मेरा क्या क्या चीज़ यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद मैंने उससे बड़ी शॉप मतलब बड़ा ऑफिस स्पेस लिया, तो बड़ा ऑफिस स्पेस क्या तो थोड़ा सा टेपर्ड था, तो वहाँ पे भी मुझे अपना माइंड लगाना था कि टेपर्ड होने की वजह से रेंट थोड़ा कम मिल गया, तो रेंट कम मिल गया मुझे, तो अब मुझे ये देखना था कि मेरी प्रीवियस शॉप में जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो चीज़ें अगर मैं वहाँ से निकलवाता हूँ तो नई शॉप में वो कैसे यूटिलाइज हो सकता है। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट डाउन कम हो जाता है, मतलब पैसे कम लगते हैं आपके जो एग्जिस्टिंग जो मटेरियल्स हैं जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकें, तो उससे लेबर कॉस्ट भी बचती है, आपका टाइम भी बचता है, प्लस सबसे मेन तो है कि कॉस्टिंग, जब तक शॉप या ऑफिस स्पेस आपका अपना नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो आपका जैसा क्रिएटिव माइंड है, जैसा आप उसको यूज़ करना चाहो, आप इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको घर पे यूज़ करिए, अपने इंडस्ट्री में यूज़ करिए, आप लेआउट प्लान करिए, तो बहुत तरीके से ये आपको हेल्प करता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने सारे ट्यूटोरियल्स में धीरे धीरे आप लोगों को इसके बेनिफिट समझाता रहूँ और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये बताता रहूँ कि आप इसकी हेल्प से और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं सबसे मेन आपको यही चीज़ बतानी थी कि कैड कैम स्पेशल एग्जैक्टली होता क्या है और उसको इंडस्ट्री में कैसे उसका वर्क कराते हैं। बाकी आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा।